ભરૂચના લિંક રોડ ઉપર આવેલ મંગલમ હોલ ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ભરૂચ જિલ્લા દ્વારા વિચાર ગોષ્ઠીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज नु संरक्षण अने संगठन माटे सतत प्रयत्नशील छे। सांप्रत समाज मा बदलाता सामाजिक अने राष्ट्रीय प्रवाहो पर गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकों साथे चर्चा अने विचार गोष्ठी नु आयोजन करवामां आवे छे। जेना भागरूपे आज रोज भरूचना लिंक रोड पर आवेल मंगलम हॉल खाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरूच जिल्ला द्वारा विचार गोष्ठी नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां अखिल भारतीय संपर्क टोळीना सभ्य रवि अय्यरे सांप्रत समय में बदलाता प्रवाहो अने दिशा सूचन अंगे प्रवचन आप्युं हतुं। आ विचार गोष्ठी में जिल्ला संघचालक कौशल पटेल, अल्केश प्रजापति अने चेनल नर्मदाना डिरेक्टर नरेश ठक्कर तेमज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना आगेवानो उपस्थित रह्या हता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित संपर्क विभाग द्वारा योजना बनेल भरूच में प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी ने योजना बनी थी। એમાં ભરૂચમાંથી 45 જેટલા પ્રબુદ્ધજનોના સંવાદની અને ગોષ્ઠીની આ કાર્યક્રમમાં 45 લોકો ઉપસ્થિત હતા। એમાં અખિલ ભારતીય સંપર્ક ટોળીના સદસ્ય શ્રી રવિજી અય્યર દ્વારા વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે કરી શકાય એવા વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને ગોષ્ઠી કરવામાં આવી છે। એમાં રવિજીએ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, સમાજના પ્રબુદ્ધ લોકોએ એ વિષય પર એમના વિચારો चर्चा शू करी सके एनी बातचीत करी छे अने समाज पण हवे आ दिशा में विचार तो थाय एवं एक समाज ना प्रबुद्धजनों ने आह्वान करवामां आव्युं छे। मैं आपके साथ चार विषय रखता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में अपना विचार बताता हूं और फिर मैं आप लोगों के विचार इन चार विषयों के ऊपर सुनना चाहता हूँ। चार विषय क्या क्या है? एक है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा है मातृशक्ति एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, तीसरा जो है मातृभाषा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चौथा है जनसंख्या असंतुलन। अब इसको थोड़ा सा मैं विषय के बारे में बताता हूँ। मेरे कुछ विषय आत्मनिर्भर भारत, दुनिया आश्चर्यचकित है कि बहुत तेजी से पिछले 7-8 सालों में भारत अनेक आंकड़ा में वृद्धि किया है। ईज ऑफ गवर्नेंस एक बहुत बड़ा असर है, योगदान जैसे कारण विदेशी लोग बड़ी मात्रा में बाहर आए हैं, पूंजी निवेश करते हुए आ रहे हैं। हमारे इधर लोग दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, भारत एक देश है जो चंद्रमा के पीछे के वो जाकर सैंपल देखे आए हैं, भारत एक देश है जो मंगलयान में पहले ही उड्डा में पहुंच गया, बाकी लोग कई गलतियां करके वहां पहुंचते हैं और हम सबसे दुनिया के सस्ते खर्चे में पहुंच गए। यहां तक कि हॉलीवुड का एक पिक्चर निकालना है तो भी ज्यादा खर्चा होता है, मंगल तक जाके आ सकते हैं। एक रॉकेट में